हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। स्टार्टिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर, तो ध्यान से देखेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो इसके पहले आप जानते थे कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं। पदार्थ जो होता है, सब्सटेंस जो होता है, पदार्थ क्या है, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छेकती हो, है ना, जो जगह छेकती हो, जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बल की आवश्यकता हो सकती है ना, उसको हम बोल देते हैं पदार्थ। लेकिन हमने वही पढ़ा था कि पदार्थ कितने प्रकार के, पदार्थ की तीन अवस्थाएँ होती है, ऐसे तो पाँच अवस्थाएँ होती है लेकिन हम यहाँ पर तीन पे बात करेंगे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो जिसमें ठोस जो आपका है वह क्या है, भौतिक अवस्था, क्या है, भौतिक अवस्था है जिसको बोल सकते हैं। और चूंकि जब ठोस भौतिक अवस्था है इसलिए उसमें ठोस के पहले लग गया ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो यहाँ पर हम समझेंगे ठोस अवस्था क्या होता है। तो ठोस अवस्था क्या होता है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकृति के मतलब क्या होता है, शेप, शेप साइज एंड वैल्यूम। ठीक है, शेप साइज एंड वैल्यूम देखेंगे, जैसे लकड़ी है, चौक है, लोहा है, लकड़ी है, ये सब क्या है, सॉलिड है, क्योंकि ये स्पेस भी छेकते हैं और इनका जितना भी वैल्यूम है, जितना जगह छेकते हैं उतना ही रहता है, इसलिए इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, फिक्स होते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ठोस के गुणधर्म क्या होते हैं, ठोस के क्या प्रॉपर्टी होते हैं। ठोस की प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक ठोस अव्ययी कण से मिलकर बना होता है। अव्ययी कण का मतलब ध्यान देंगे, अव्ययी कण का मतलब क्या होता है, अव्ययी कण का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जिन कण से मिलकर बना होता है उसको अव्ययी कण कहते हैं। और अव्ययी कण में क्या होता है, परमाणु, अणु और आयन, यानी कि अव्ययी कण हुआ, यानी कि कोई भी पदार्थ जिन कण से मिलकर बना होता है उसके हम अव्ययी कण कहते हैं। तो प्रत्येक ठोस अव्ययी कण से मिलकर बना होता है, ये परमाणु, अणु और आयन हो सकते हैं। दूसरा में कि ठोस के अव्ययी कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, इनकी स्थिति स्थिर बनी रहती है, अतः ठोस का आयतन निश्चित बना रहता है, यानी कि ठोस के बीच जो होता है कुछ रिक्त स्थान होता है, ठोस के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतराणविक स्थान, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, अंतराणविक स्थान इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ये बात ध्यान देंगे। तो ठोस के कणों के बीच जो अंतराणविक स्थान होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण ठोसों के बीच गैप कम होता है और इनका आयतन निश्चित बना रहता है। तीसरा टॉपिक में है कि इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है, चूँकि आप पढ़े होंगे फार्मूला डी बराबर मास बाय वैल्यूम, चूँकि इनकी मास ज़्यादा होता है और वैल्यूम थोड़ा कम होता है, इसलिए अगर डेंसिटी निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे तो हमेशा ज़्यादा आता है, इसलिए इसका कहें इनका घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, डी बराबर एम बाई वी होता है। नंबर फोर पॉइंट में है इनका मेल्टिंग पॉइंट, प्रायः मेल्टिंग मतलब गलनांक, और गलनांक का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पर यह ठोस से क्या चले जाए, द्रव अवस्था में हो जाए, उसको हम गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नंबर फाइव में ये बहते नहीं हैं, यानी कि ठोस जो है बहते नहीं हैं। नंबर सिक्स में है कि ये असंपीड्य होते हैं, अर्थात संपीड्य के मतलब इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता, यानी सॉलिड को हम दबा नहीं सकते और नहीं बहते हैं। तो ये रहा ठोसे का, ठोस का क्या प्रॉपर्टी, ठोसों का गुण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ठोस कितने तरह के होते हैं।
ठोस कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे ठोसों के टाइप्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अव्ययी कण के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया है। अव्ययी कण मतलब जिसके हिसाब से वो बने हैं। अव्ययी कण के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहले का है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइज सॉलिड या एमोरफस सॉलिड। चूँकि इंग्लिश में इसका दो नाम है, हिंदी में एक ही नाम है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस पर। वैसे ठोस जो परमाणु अणु आयन से मिलकर बने होते हैं, जो एक निश्चित ज्यामितीय आकार हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस होते हैं, जितना भी पदार्थ होता है, जितना भी ठोस होता है, जितना भी सब्सटेंस होता है, वो तो परमाणु एटम आयन से बना ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक जुड़ गया है कि इनकी एक निश्चित ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल इनकी शेप होती है। क्या होती है? ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे आप पढ़े होंगे कि हीरा जो है हेक्सागोनल, ग्रेफाइट, इस तरह के टॉपिक्स आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि कोई इनका साइज होता है, त्रिकोणमित, त्रिकोण, चतुर्भुज, है ना, रेक्टेंगुल का, पिरामिडल, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, क्यूबिक, ये सब क्या है, इनके ज्योमेट्रिकल आकृति होती है। कौन सी ठोस को? क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब पता है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है कि वैसे ठोस जो परमाणु अणु तथा आयनों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनका एक निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। निश्चित ज्यामितीय आकार का मतलब इनकी कोई जो ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है, इनकी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा प्लास्टिक, रबर, ठीक है, कांच और बड़े बड़े पॉलीमर जो टायर ट्यूब जितने भी होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता, ज्योमेट्रिकल शेप कोई नहीं होता, कि त्रिभुजकार होता है, कि पिरामिडल होता है, कि प्लेनर होता है, कि क्यूबिक होता है, कि हेक्सागोनल होता है, कि ऑक्टाहेड्रल, तो उसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने तरह के होते हैं, यानी कि हमने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस भी के बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस को भी बांटा गया है। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कर देंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यहाँ बोला है कि अंतरणिक बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में बांटा गया है, यानी कि जितने भी ठोस होते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स होता है, फोर्स लगता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो इनके अंदर किस प्रकार के फोर्स हैं, किस प्रकार के इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया। पहला नाम है मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। दूसरा है सहसंयोजक ठोस। तीसरा है आयनिक ठोस। चौथा है आणविक ठोस। ये बात आप ध्यान देंगे, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड। अब एक एक देखेंगे कि मेटालिक सॉलिड क्या होता है, ठीक है। चलिए, मेटालिक सॉलिड वैसे ठोस जिसके अव्ययी कण धातु के परमाणु होते हैं, उसे मेटालिक सॉलिड कहते हैं। चूँकि ये अपना भाषा यूज किया गया है कि मेटालिक सॉलिड में उनके जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वह खुद क्या होता है, धातु के एटम होते हैं, धातु के परमाणु होते हैं, यानी कि जितने भी मेटल्स हैं ये सब क्या है, मेटालिक सॉलिड है। ध्यान देंगे, जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, वो सब क्या है, मेटालिक सॉलिड है। हाँ, एक्सेप्शन में आप पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ सॉलिड की बात हो रही है। जितने भी धातु होते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं, उसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, इनके अव्ययी कण धातु या परमाणु होते हैं, इनके बीच, मेटालिक सॉलिड के बीच क्या, धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है,
ये कठोर तन्य कठोर भी होते हैं, ठोस होते हैं, इसको ताना जा सकता है, आघात वर्ध पीटने पर यह फैलता है। ठीक है, नंबर फोर में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन, धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और पांचवा में है कि ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि मेटालिक सॉलिड ऐसे विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन जब ये गलित अवस्था में रहेंगे, मेल्ट अवस्था में रहेंगे, तो उनमें इलेक्ट्रिक पास कर जाता है। और पाँच सिक्स में है, इसके गलनांक उच्च होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है और मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। नंबर टू में है कि सहसंयोजक ठोस क्या है। वैसे ठोस जिनके परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा, यानी कि आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, साझा करके, ठीक है, बनते हैं। तो इनके अंदर जो सजन्स कोवैलेंट जो सॉलिड होता है, उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस। यहाँ पर देखेंगे हीरा में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ग्रेफाइट में कोवैलेंट बॉन्ड, क्वार्टज में कोवैलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन कार्बाइड में कोवैलेंट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर CH4 मैंने मीथेन लिख दिया, तो मीथेन भी मोलिक्यूल से अगर सॉलिड के रूप में रहे तो इसको भी कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, जितने भी सॉलिड जो होता है इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक ठोस। ठीक है, अब देखें सहसंयोजक ठोस की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। पहला हम दिया कि इनके अव्ययी कण परमाणु होते हैं, इनके अव्ययी कण पार्टिकल होते हैं, एटम होते हैं, इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट फोर्स पाया जाता है, ये कठोर तथा मुलायम होते हैं, मुलायम में ग्रेफाइट है। ठीक है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिस कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, और एक्सेप्शन में कि ग्रेफाइट जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। फाइव में इनके गलनांक अत्यधिक ऊंचे होते हैं, चूँकि ये भी शेयर से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के शेयर से बने होते हैं, इसलिए इसको बॉन्ड को तोड़ने ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। नेक्स्ट में है आयनिक सॉलिड, कि आयनिक सॉलिड क्या है, ध्यान देंगे। आयनिक सॉलिड चूँकि नाम से ही जानते हैं आयनिक मतलब आयन, तो वैसे ठोस जिनमें अव्ययी कण आयनिक या कुलम्बिक से बल से जुड़े होते हैं आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। यानी कह रहे हैं कि वैसे ठोस जिनके अव्ययी कण यानी कि जिनके पार्टिकल जिनके कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, और इनमें फोर्स भी पाया जाता है कुलम्बिक फोर्स, जितने भी चार्ज होते हैं सबके बीच कुलम्बिक फोर्स कुलम्ब बल पाया जाता है, इसे जुड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जितना भी आपको आयन से जिसमें पॉजिटिव निगेटिव से बना होता है, ये सब क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एक पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से बने होते हैं, उसको हम आयनिक सॉलिड के अंतर्गत रख देते हैं। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड गुण देखेंगे ध्यान से, कि इनके अव्ययी कण, अभी मैंने पढ़ा कि इनके अव्ययी कण आयन होते हैं, इनके बीच एक फोर्स होता है जिसका नाम है कुलम्बिक फोर्स, और आयनिक जो यौगिक होते हैं ठोस होते हैं, ये ठोस तथा भंगुर होते हैं। यहाँ पर देख लेंगे कि चौथा नंबर में है कि ठोस अवस्था में कुचालक गलित अवस्था में सुचालक होते हैं, जैसे NaCl है, नमक है, तो नमक अगर ठोस रूप में है तो इसमें लाइट पास नहीं करेगा, लेकिन जब इसी में हम पानी डाल देंगे, चाहे गला देंगे, चाहे गलित अवस्था में ला देंगे, तो इसमें इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, नंबर फाइव में है कि आयनिक ठोस जल या ध्रुवीय घोलकों में घुलनशील परंतु अध्रुवीय घुलनशील होते हैं। आयनिक ठोस ध्रुवीय घोलक, ध्रुव मतलब कि जिसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव से बना हो, ठीक है, और उसमें घुल जाएगा, तो आयन आयन में ही घुलता है। ठीक है, और अघुलनशील अध्रुवीय का मतलब जो पॉजिटिव निगेटिव से नहीं बना होता है। सिक्स नंबर में है कि इनके द्रव्यमान क्वथनांक ऊँच होते हैं, चूँकि ये भी
बड़ा सा फोर्स से जुड़े होते हैं, कुलाम्बिक फोर्स से, इसलिए इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। नंबर फोर में है आणविक ठोस, ठीक है। लास्ट है नंबर फोर आणविक ठोस। आणविक ठोस कहते हैं कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है, अणु होते हैं उनसे आणविक ठोस कहते हैं। और चूंकि ये भी ध्यान देंगे कि जितने भी मोलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मोलिक्यूल्स से बने होते हैं, ठीक है, जिनमें फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसको हम आणविक ठोस कहते हैं। यहाँ पर Cl2, Cl, ये भी Cl से बना होता है, FF ये भी Cl से बना होता है, और C6H6 ये भी Cl से बनता है। यानी कि आणविक ठोस में आपको सिर्फ क्या आएंगे, अणु आएंगे, ठीक है, अणु आएंगे। अणु दो तरह का तो है, तात्विक और यौगिक, ये ध्यान देंगे। इनका गुण क्या है कि इनके अवयवी कण अणु होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें धारा नहीं प्रवाहित होता है, ये मुलायम होते हैं और इनका गलनांक कम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आणविक ठोस के भी प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, चूँकि चैनल अभी लाइव नहीं चल रहा है चूँकि कुछ प्रॉब्लम है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, शेयर करना नहीं भूलेंगे।